बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मलका टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप। क्विक से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सूप के लिए सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे, तो यखनी मैं पहले से बना चुकी हूँ क्योंकि वीडियो पर टाइम ज़्यादा ना लगे हमारा। तो ये है यखनी, पंजों की यखनी मैंने बनाई है। पंजे हम इसे अलग करेंगे। सब्जियों में लेंगे हम गाजर, शिमला मिर्च, मटर, साबुत अदरक लहसुन, कनौर क्यूब और चिकन पाउडर, यह आपको किसी भी स्टोर से बआसानी मिल सकता है। अब इसको पकाना शुरू करते हैं। यखनी जो ली है मैंने, यखनी से हम निकाल के इसे हम गोश्त अलग करेंगे और यखनी को हम पतीले में डाल देंगे। पतीले में यखनी डाल के उसके बाद जितने भी वेजिटेबल हो हम इसमें शामिल कर लेंगे, गाजर, मटर, शिमला मिर्च। और क्यूब लिया था वो भी मैंने सब्जियों के साथ ही यखनी में ऐड किया और साथ चिकन पाउडर भी ऐड किया। अब इसको मिक्स करेंगे। यखनी में हम वेजिटेबल को पकाएंगे और जो पंजे थे उससे हमने गोश्त अलग किया था तो वो भी इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल में। तो सारी चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं यखनी में। अब हम वेजिटेबल पकाएंगे, मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे हसबी ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डालें। थोड़ा सा हमने यखनी में ऐड किया था, थोड़ा अब इसमें हम ऐड करेंगे। मिक्स करके फिर थोड़ी देर पकाना है यखनी में वेजिटेबल को। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। पंजों का जो गोश होता है तो इससे जो हमारा ये सूप है ये गाढ़ा भी हो जाएगा और भी मज़े का बनेगा। ढक्कन रख देंगे। तो तैयार है हमारा सूप। अब इसे मैं बॉल में डाल के आपको दिखाती हूँ। तो बॉल में हमने डाल दिया इसे, देखिए कितना कलर भी अच्छा आया है सूप का और टेस्ट भी, खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। आप इसे पहले भी इसमें आप पहले भी अंडे डाल सकते हैं वेजिटेबल के साथ और बाद में भी, आखिर में भी। तो आखिर में हम जब अंडे ऐड करेंगे तो उबले हुए अंडे चाहिए, तो मैंने उबला हुआ अंडा लिया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स लाजमी करें। उबला हुआ अंडा डाला मैंने इसके ऊपर। अब इसके आखिर में जब आप पियेंगे उसी टाइम आपने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने ख़ास दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।